पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून स्थित राजभवन में आज शाम उन्हें राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 43,000 से अधिक नए मरीजों की पहचान की गई है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से घट रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 136 नए मरीजों की पहचान की गई। पटना में मिले सबसे अधिक 22 मरीज। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देशभर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 35 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट कर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रद्धापूर्वक याद किया। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 67 जिलों में भाजपा उम्मीदवार को सफलता मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं मुख्य परीक्षा 29 जुलाई से आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 8,997 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पटना जंक्शन पर जीआरपी ने दुरंतो एक्सप्रेस से 500 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोरोना जांच और टीकाकरण की गति तेज करने का दिया निर्देश। लगातार बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि भाई के जमीन विवाद मामले से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। और कई जिलों में 7 जुलाई तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। दर्शकों